नॉय स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टूज यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विल बी क्लियर विल फील इट इज़ वेरी इजी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आप डिफिकल्ट फील करेंगे ब्रटली क्वेश्चन ये कि देर आर टू वेव्स, एक वेव की यहाँ पर ब्राइट बैंड बन रही है दैट इज एन ब्राइट बैंड और अदर वेव की यहाँ पे ब्राइट बैंड बन रही है दैट इज द एम ब्राइट बैंड सेम पॉइंट पर दोनों ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं बोथ आर कंसाइटेड सो वॉट इज द वाई मतलब दोनों सेंट्रल फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फेंस से वाई डिस्टेंस पर एक वेब जब आप ऑफ द वेब लेंथ लेमडा वन यूज कर रहे हैं तो, तो दैट इज द्राइट फेंस सेकेंड यूज कर रहे हैं एमएथ है दोनों के लिए सेम तो है तो प्रिंसिपल दिस आप इक्वेशन यूज कर दिए दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द एन एथ ब्राइट फ्रींस एंड डिस्टेंस ऑफ एम एथ ब्राइट फ्री फ्रॉम द सेंटर और उसके लिए फार्मूला होता है एन लेमडा वन डी बाई डी दैट इज़ पर आप यूज़ कर लेंगे लेमडा वन और यहां पर सेकेंड के लिए एम एमएथ ब्राइट फ्रेंस है तो एम लेमडा टू डी बाई डी और दोनों के आप इक्वेट कर दीजिए दिस इज योर आंसर इसी में से ये प्रिंसिपल है इसी के बेस पर वो कुछ भी पूछ सकते हैं कैपिटल डी पूछ सकते हैं स्मॉल डी पूछ सकते हैं वाई पूछ सकते हैं सो ऑन दिस इज द प्रिंसिपल अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यह सोचना है कि दोनों केस case, केसेस में वाई इज सेम और इसी में से वो डार्क बैंड भी पूछ सकते हैं ये भी कह सकते हैं कि इसका एनएथ ब्राइट फिंस है बट सेकेंड वेव के लिए इट इज एम डार्क फ्रिंज है तो डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस का फार्मूला है वो आप यहां पे लिख दीजिएगा दोनों के इक्वेट कर दीजिए इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज और नेक्स्ट क्वेश्चन